दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में लंबे समय से स्थापित अवैध दुकान को आज दुर्ग निगम ने प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई किया। इस दौरान दुकान की एक महिला ने निगम पर पैसे के लेन देन का लगाया गंभीर आरोप। वहीं पर पूछताछ में लोगों को किया गिरफ्तार। दुर्ग राजेंद्र पार्क के सामने काफी लंबे समय से संचालित अस्थायी रूप से संचालित कपड़ा बाजार को हटाने के लिए नगर निगम दुर्ग द्वारा नोटिस दिया गया था, परंतु कई बार नोटिस देने के बाद भी दुकान को संचालित किया जा रहा था। वही नगर निगम द्वारा अंतिम नोटिस देने के पश्चात नगर निगम अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नोटिस के परिपालन हेतु अस्थायी रूप से संचालित दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। अरे निगम में एक महीने से नोटिस बोल रहे हैं, एक महीने से कब देगा नोटिस? ये एक तारीख का गया है सर आपके आने के बाद, आप 21 तारीख को आए थे, एक दो का गया है, नौ की मांगे, एक की मांग को नहीं किया गया, कल भी गया थी बात, कब देंगे? ये 60 गुमटी जो दिया गया, 60 गुमटी को 1.5 लाख रुपए की एक गुमटी है, नगद में दिया गया, कैसे दिया गया? प्रशासन कहती है कि सब तो ऑनलाइन होना चाहिए ना, एक रुपये का काम ऑनलाइन है, ये नगद में देखिए होगा क्या? पूछो ना आप, एक घंटे 2 इस दौरान दुकान को हटाने से रोकने के लिए महिला और पुरुष ने मशीन के आगे जाकर अपना विरोध दर्ज कराया और साथ ही संचालित दुकान की महिला द्वारा नगर निगम प्रशासन के पूर्व बाजार अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई बार दुकान संचालक के लिए रकम पहुंचाई गई है, उसके पश्चात भी आज नगर निगम के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुर्ग कार्रवाई में पुलिस बल की मौजूदगी के बाद भी पुलिस को कार्रवाई करने में काफी मशक्कत करते देखा गया, साथ ही इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार तक करना पड़ गया। बता दें नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई में बुलडोजर से तीनों दुकानों का कब्जा तोड़ा गया। इस दौरान SDM मुकेश रावटे, अतिरिक्त तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, उपायुक्त मोहेंद्र साहू, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, नायब तहसीलदार ढाल सिंह बिसेन सहित पद्मनापुर थाना पुलिस मौके पर शामिल रही। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।